बड़ा सुंदर संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, कार्तिक महत्तम। एक ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग। छह लड़कियां थी, चार लड़कियों की शादी हो गई, दो कुंवारी रही। अब दो लड़कियां कुंवारी हैं, चार का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है। माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोगे। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए, माता पिता तो ये विचार करते। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख होता है। अब किससे कहे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी छह लड़कियां हैं, चार लड़कियों का विवाह हो गया पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जा? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की और उस आटा चावल को जो मिलता है। तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं, और हिस्से भी करते हैं तो पांच हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके पांच हिस्से कर दिए। पांच हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और पांचवा हिस्सा स्वयं का। तीन वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया और पांचवा हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकाग्रित कर ले भी गया और घर में छह बेटियां, पति पत्नी, आठ लोगों का परिवार, उसमें से चार का विवाह भी हो गया तो दो बेटी और दो माता पिता कैसे गुजारा, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम है अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी और भगवान शंकर के मंदिर में पांच हिस्से कर दिए। पांच हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और पांचवा जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी दो बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पाले थे, कभी कभी नहीं भी मिलता तो वो कैसे, किससे कहें? वो चार बेटियों का विवाह करे वो भी दुखी, किससे जाकर कहे, किससे विनय करे? शिव महापुराण की कथा कहती है जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवदिने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाती है तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, एक लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की माँ, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता।
दामोदर मास की कथा कार्तिक मास की कथा कहती है। बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने, चार बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, मैं क्या दूं इन, अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं। कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते, बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर पांच हिस्से कर कर घर पहुंच जाते। अब पांचवा हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए, अब आठ लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी माँ ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो चार बेटियां घर में आई हैं और दो बेटियां घर में हैं, मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत। घर का पिता और घर की माँ एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है किसको क्या तकलीफ। हम किसके दरवाजे पर जाएं? बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या। विचार करते करते आंखों में जल भर गया, बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा। दोनों पति पत्नी चले, रोते रोते नेत्रों में जल भरते हुए पति ने कहा, चिंता मत करा, पांचवा हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था, आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं पांचों जगह इस घी का हिस्सा करना है। तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा, घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ा, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ा, फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया, दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। चार बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वेवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कूर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन तीन वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन तीन वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते चलते जाए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकल कर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाए इसको। पति कहता है, देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया, इसलिए अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया। दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो, काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहाँ लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलख रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा, अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10।
पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए। बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मतलब हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मतलब दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठ कर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की छह लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला, अपन इसको जला देते। छह बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से ही कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चल चलो। अब तो छह ही लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो छह और एक हम सात, सात हो जाएंगे। इन लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी, उसने विचार करा, चलो अच्छा है घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है पिता दुखी है तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पांव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं, मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊं। अब इनको क्या मालूम था, बताओ हम तो अच्छे के लिए लेकर गए, तो ऊपर से कंधे पर चढ़ गए। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जीजी की। और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची आवाज लगाया, पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले, क्या हो गया बेटा, किसकी बेटी को लिया ही सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ जला। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देख मैंने मना करा था दिया मत जला, और दिया जलाया और वो आई। अब ये देख अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो दो तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई, कितने हो गए सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं, थोड़ा सा करे तो करे क्या। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों का, दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रखा। कौन सी लक्ष्मी? पावन। पावनी का मतलब जानते हैं? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भर कर बोली, बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी, कुछ भी तो खाने का नहीं है, अपन एक काम करेंगे कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय पावनी लक्ष्मी बोली, माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या, अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सरी, तू मुझे बता कहाँ रखा है। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा, घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या। इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा, माँ एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रख कर जाते थे, शंकर भगवान बोले हैं उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आता है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ। माँ भागवता बर्तन दिए,
भोजन बनना तैयार हुआ। जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ, सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भर कर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे, कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था क्योंकि धनी नहीं। सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कोई, धन के साथी हजारों हैं जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था, आज सब भोजन कर कर आराम से बच्चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया और आवाज बजाकर, जैसे दरवाजा बजाया जीजी आई बाहर। बहन ने कहा, भैया तू इतने सालों के बाद आ जाया है, कैसे आना हुआ? बहन, यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा, जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है, अब तुझे दे तो दे, क्या प्रदान करें। इतने में दूसरी लक्ष्मी, पावनी दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली, अरे माँ क्यों चिंता करती है, तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा, अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहाँ से लाएगी। दूसरी बोली, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आते थे आंवले के पेड़ के नीचे, भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिला कर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया खूब आनंद में रहे, अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने दोनों उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा, चिंता मत करो, ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर, झाड़ू को घर के पीछे रख दो, चलनी पर कपड़ा ढाक दो, सूपड़े को छुपा कर रख दो, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो। बेटा, ब्राह्मणी बोली, कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना माँ, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी। उसको क्या मालूम जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए, मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा, बेटी कहाँ जा रही है? तो इतने में कहा, बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले, कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली, अभी चल चल, अभी चलू। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी, कहा मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे, बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया, तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम कौन हो, कौन हो? कहा, बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़े आनंद में झूमने लगे, ये शंकर की अभिलाषा।